देखिए जैसे कि आप सब जानते हैं कल रात चंद औरतों ने मेरे खिलाफ जिंसी और घरेलू तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए। मैं आज उन एलिगेशंस को एड्रेस करना चाहता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने आज तक किसी भी औरत की बेइज्जती या बेहुर्मती नहीं की। और ये सब औरतें कह रही हैं कि मैंने किया है उनकी। देखें सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स स्टे कर लें। हमारी कॉम की गंदी आदत है कि हम 6-7 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा जोड़ देते हैं। तो आप बताएं कि फ्लर्टिंग, कंसेंशुअल फ्लर्टिंग, हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, पिक्स, सर्कमसाइज्ड पिक्स, अनसर्कमसाइज्ड पिक्स, असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट, असॉल्ट राइफल और कंसेंशुअली गाड़ी को नॉक करके किसी पर ज़बरदस्ती चढ़ जाना, इनमें फ़र्क होता है। तो पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें। देखिए आजकल टेक्नोलॉजी के मानिंद कुछ भी फेक करना बहुत आसान है, बल्कि मैंने खुद इतने फेक अकाउंट्स बनाए हैं अपनी लाइक्स बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम पे। और मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि आज तक जितनी भी औरतों के साथ मैंने हम बिस्तरी की है उनमें से तकरीबन सारों ने बिस्तर में ऑर्गेजम्स फेक किए। तो अगर वो बिस्तर में फेक कर सकती हैं तो स्क्रीन शॉट्स नहीं फेक कर सकती। देखें सीधी सीधी बात है, अगर एलिगेशंस हैं तो आप कोर्ट जाएं, FIR दर्ज करें। मैं आपको बता सकता हूं एक सच्चे और पाकीज़ा मुसलमान होने के मानिंद मेरी हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी सेफ्टी होती है। तो अगर मैंने किसी का सॉल्व किया होता मैं कॉन्डम पहन के इस्तेमाल करता। तो मैं उन सब औरतों को कहता हूं उन कॉन्डम्स को लेकर आएँ जो मैंने इस्तेमाल किए थे और कोर्ट को लेकर आएँ, DNA एविडेंस कराएँ, बात ख़त्म हो जाएगी यार। देखें सर वो फिजिकल असॉल्ट नहीं, वो हिकीज है यानी लव बाइट्स। अब सर जलवे से प्यार करना भी अगर तशद्दुद है तो मैं अगर आपको और कुछ कह नहीं सकता, बल्कि उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा हिकीज दी हैं। मैं अभी अपनी शर्ट उतारना नहीं चाहता लेकिन मेरे पास भी हैं। बल्कि मैं जब अफेयर्स करके वापस आता था सुबह 1 बजे, मेरी बीवी मुझे खुद कहती थी ये तुम्हें मच्छर कहाँ से काट के आए हैं। अब जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ मुझे 2 लीटर मॉस्कल पहन के निकलना पड़ता है। असल विक्टिम मैं हूँ यहाँ मैं। सर इस कॉन्स्पिरेसी वजह से सिर्फ एक वजह है और वो है ये, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मेरे पास भी एक कार्ड है और वो कार्ड है ये। यार देखो मेरी माँ एक औरत है, मेरी दादी एक औरत है, मेरी 6 माँ की भांजी है यार वो भी एक औरत है, तुम उससे जाके पूछ लो, मैंने उस पर कभी हाथ उठाया नहीं। माँ का